आइए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से रिलेटेड कैसे एग्जाम HCL SAT एग्जाम में हो सकता है। देखिए, अगर मैंने कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 987, ओके, तो मैंने यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 987। अब यहाँ पर अगर आप 9 की बात करो तो ये 100 प्लेस पे रखा हुआ है, 8 की बात करो तो ये 10th प्लेस पे रखा हुआ है, और 7 की बात करो तो ये रखा हुआ है यूनिट प्लेस पे। और हमें पता है कि जो फेस वैल्यू होती है वो डिजिट की वो ही वैल्यू होती है जो कि दिखाई देती है, मतलब 9 की फेस वैल्यू रहेगी 9, 8 की फेस वैल्यू रहेगी 8, और 7 की फेस वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी 7। लेकिन अगर आप प्लेस वैल्यू की बात करो, ओके, 9 जो है वो 100 के प्लेस पे है, इसीलिए इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है 900। उसी तरीके से 8 जो है 10th प्लेस पे है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है 80, और 7 जो है ये यूनिट प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू रहेगी 7 ही ओनली, क्योंकि यूनिट प्लेस वाली जो भी डिजिट होते हैं वो एज इट इज होते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो सकता है। यू कैन हैव अ क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर लाइक द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर 9 इन द गिवन नंबर इज, मतलब इस नंबर में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है, और फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे तो आपको फाइंड करना होगा आंसर। तो सीधी सी बात है, 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 900, और 9 की जो फेस वैल्यू है वो है 9। अब आप मुझे बताइए 900 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो कितना होगा, 891। सो यस, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द आंसर। तो इसी तरीके से प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर x इज, ओके, अब x कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 5, इट कैन बी 10 और 100,000, बिकॉज x इज अ वेरिएबल, ओके। तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है दैट इज 1/x, ओके। हमें हमेशा यही लगता है कि इनवर्स मतलब कि फ्रैक्शन में ले लो, बट रिमेम्बर ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/x ऑफ व्हाट, x, राइट। लेकिन अगर आप एडिटिव इनवर्स की बात करते हो तो वो होता है -x, ओके। अब किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर 55 इज --, तो राइट आंसर रहेगा 1/55, ओके। बट अगर क्वेश्चन ऐसा है एडिटिव इनवर्स ऑफ नंबर 55 इज --, तो इसका राइट आंसर रहेगा -55। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स, किन नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर्स? तो बहुत सिंपल है, ऐसे नंबर्स जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, ओके, सिवाय उनके खुद के, या फिर इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ऐसा नंबर जो किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ वो खुद ही के टेबल में आता है, ओके, उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। नाउ फॉर एग्जांपल नंबर 2, ओके, तो ये जो 2 है ये खुद के ही टेबल में आता है, ओके, इसीलिए कहा जाता है 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, समझ में आ रहा है। उसके बाद 3 किसी भी टेबल में नहीं आता, इसको आप किसी से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, सिवाय उसके खुद से, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 5 किसी टेबल में नहीं आता है, ओके, उसी तरीके से नंबर 7 आता है, ओके, उसी तरीके से नंबर 11 आता है, लाइक दैट नंबर 13, ओके, वैसे ही 15 17। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, इन्हें ही हम लोग कहते हैं प्राइम। को प्राइम नंबर्स मतलब क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर्स की पेयर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और वन से,
उन्हें कहा जाता है कोप्राइम नंबर्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज है कॉम्पोजिट नंबर। सो इट इज वेरी सिंपल, जो नंबर्स प्राइम नहीं होते वो नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो फिर कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से रहेंगे? तो कॉम्पोजिट नंबर्स यहाँ पे आप जैसे हमने 2 लिया है, ओके 3 लिया है, तो फिर 4 जो है, क्योंकि 2 2 4 होता है, ओके उसी तरीके से 5 लिया है तो यहाँ पे 6, 2 × 3 6, मतलब वो किसी टेबल में आ रहा है तो वो होगा आपका कॉम्पोजिट नंबर। उसी तरीके से नंबर 8 लाइक दिस, तो इस टाइप के नंबर्स को कहा जाता है कॉम्पोजिट नंबर्स। अब इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी कोई स्पेशल नंबर नहीं है, ये एक नंबर्स की सीरीज है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ 2 3 4 5 6 7, सिर्फ इतना है कि नंबर्स की सीरीज इस तरीके से होना चाहिए कि प्रीसीडिंग नंबर शुड बी लेस देन बाय 1 एज कम्पेयर टू द सक्सीडिंग नंबर। मतलब पिछला नंबर आगे वाले नंबर से सिर्फ 1 से कम होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो इसी टाइप के नंबर्स को कहा जाता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको HCS SAT एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज, तो अब ऐसे में कॉन्सिक्यूटिव वर्ड को देख के डरना नहीं है। ठीक है, मैंने कहा द सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज। अब मैंने कल जो वीडियो लिया था, इसके पहले का जो वीडियो था, उस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि इवन नंबर्स की सम फाइंड करनी है किसी नंबर तक के, तो उसके लिए हम रेडी फॉर्मूला यूज करते हैं n of n+1। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू है 15, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ऐसे कहा कि सम ऑफ 15 इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है ना, तो यहाँ पर मैं लूंगी 15 इन ब्रैकेट 15+1, सो दैट इज 15 × 16, सो दिस इज नथिंग बट 240। मतलब देखिए आपने कितनी आसानी से सम फाइंड कर लिया। बट हाँ, इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स किसे कहा जाता है। Now let's try to understand what is rational numbers. अब rational numbers कौन से होते हैं? तो ऐसा कोई भी number जिसको आप ratio में express कर सकते हो, means the number which can be expressed in the form of p/q. Okay? अब कोई भी number, मतलब अगर जैसे मैं number 5 ले रही हूँ, okay? तो मैं उसको 5/1 से express कर सकती हूँ, so that is the rational number. Okay? उसी तरीके से अगर number 8 है ना, तो मैं उसको 16/2 से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, सो दैट इज अ रैशनल नंबर। ओके, बट इरैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इस तरीके से रेशो में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल √3। ओके, सर्स की अगर आप बात करते हो तो वो नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं? इरैशनल नंबर्स की कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल, अगर आपके पास कोई नंबर है x, तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x। ओके, तो उसी को जब डिनोमिनेटर में लिया जाता है, उसी नंबर को, उसी वेरिएबल को, उसे ही कहा जाता है रेसिप्रोकल। ओके, अब इसके बाद एवरेज की बात करेंगे। ओके, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? तो एवरेज कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है एडिशन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको मैं कुछ नंबर्स देती हूँ 2 4 3 1 6, ओके, और मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसका एवरेज निकालो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एवीजी, मींस एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, तो यहाँ पर सम ले लूंगी मैं 2 + 4 + 3 + 1 + 6, और उसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5। ओके, मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी। अब एडिशन कर लेते हैं, 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 1 = 10, एंड 10 + 6 = 16। नाउ 16 / 5, तो इसका फिर जो भी फ्रैक्शन आता है, मतलब कि इट इज 5 × 3 = 15.2, तो इस पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर नंबर्स मैंने आपको दिए उन सभी का यहाँ पर एवरेज निकलता है
3.2। ओके, तो कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो आपको टोटल नंबर ऑफ जो भी आइटम्स दिए हुए या फिर जितने भी नंबर्स दिए हैं उनकी एडिशन करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, तो इसी तरीके से अब इसी को हम किसी और चीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज का कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूजफुल होता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, एवरेज से रिलेटेड दो थ्योरम्स हैं। एक, इफ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर एंड सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर कोई पर्सन है उसने एक डिस्टेंस कवर किया, फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन नागपुर से मुंबई तक पहुंचता है 10 आवर्स में। ओके, और वही पर्सन फिर से नागपुर से मुंबई प्लेन से जाता है तो वो 1 आवर में पहुंचता है। ठीक है, तो अगर उस पर्सन की आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है, इट इज ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब 10 और 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग और यहाँ पे 10 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट सिचुएशंस मैंने आपको बताई थी। अब उसी तरीके से दूसरी सिचुएशन है, इफ हाफ जर्नी ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट हाफ एट द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर देन एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी। अब सिचुएशन चेंज है, किसी पर्सन ने एक जर्नी आधी जर्नी x किलोमीटर पर आर की स्पीड से कवर की और बची हुई हाफ जर्नी y किलोमीटर पर आर की स्पीड से कवर की। तो अगर आपको उस पर्सन की स्पीड मतलब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। चलिए देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये फॉर्मूला किस तरीके से एप्लीकेबल। चलिए फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज 778 किलोमीटर। भाई दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस है 778 किलोमीटर। हैरी मोहन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट 84 किलोमीटर पर आवर। हैरी मोहन ने वो जो जर्नी है वो कितने स्पीड के साथ कवर की, 84 किलोमीटर पर आवर के साथ एंड रिटर्न बैक टू ए और फिर वो वापस आया विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। वो वापस आया कितने की स्पीड के साथ, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। देखो दोनों में भी डिस्टेंस जो हुआ वो एक जैसा ही हुआ, सिर्फ स्पीड का डिफरेंस है। ओके, तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको अभी सिखाया। What was it? It is twice x y upon x plus y. वही मैंने यहाँ पे लिखा है, average speed is equal to 2 into x into y upon x plus y kilometer per hour. अब आपको सिर्फ values place करनी है, तो 2 into 84, पहले वो 84 की speed से गया था, into 56, वापस आया 56 की speed से, upon x plus y, मतलब हमने इन दोनों की addition कर दी है 140, तो फिर ये fraction हमें मिला है 67.2 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब इतना है कि आपको ये फॉर्मूला अपने माइंड में लॉक करके रखना है इफ स्पीड एवरेज स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम अब बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल राउंड के क्वेश्चन से रिलेटेड। तो कल जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कैंडिडेट से वो होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उसकी लिंक भी मैंने दे दी थी कि उसका आंसर किस तरीके से हमने करना चाहिए। अब सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो कम्युनिकेशन स्किल में पर्सनल इंटरव्यू लेते समय पूछा जाता है। तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछे व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। ओके, तो स्ट्रेंथ्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्ट्रॉन्ग चीजें बताइए जो आपको आपके बारे में अच्छी लगती है और वो चीजें हमारे लिए यूजफुल रहेगी, ऐसा इंटरव्यूअर का कहना होता है। ओके, तो ऐसे समय आपको अपनी अच्छी अच्छी चीजें इंटरव्यूअर को बतानी पड़ती है, जैसे कि माय प्रेजेंटेशन स्किल, माय कम्युनिकेशन स्किल। ओके, आई एम हार्ड वर्कर, आई एम टारगेट ओरिएंटेड, आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, तो ये सब हो सकती है आपकी स्ट्रेंथ्स। ओके, और वीकनेस की अगर आप बात करें
तो ऐसी वीकनेस बताइए कि जिससे इंटरव्यू को परेशानी ना हो आपको जॉब पर रखते समय या फिर आपको कोर्स में एडमिशन देते समय। तो वेल, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाकर रखा है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी देकर रखी है। आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से सीख सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया जाता है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। और एक बात मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि अगर आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ईमेल सेंड कर सकते हो, मैंने मेल आईडी भी आपको दी हुई है। काफी सारे बच्चे मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं और मैंने सभी को गूगल क्लासरूम से कनेक्ट किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, ताकि मेरे सारे स्टडी मटेरियल्स उन्हें मिलते रहे। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली बार फिर से मिलूंगी नए टॉपिक्स के साथ, नई टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। डू लाइक एज वेल एज शेयर माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट एज सून एज आई पोस्ट माय नेक्स्ट वीडियो यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ दैट।